ready for the procedure. Okay, I'm coming. आज आपको ओवम पिकअप मींस अंडे निकालने की जो प्रक्रिया होती है आईवीएफ पद्धति में, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, बिकॉज पेशेंट को बहुत घबराहट होती है अक्सर कि ओवम पिकअप में क्या होता है. उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं एक बहुत बड़ी सर्जरी होती होगी, कहीं से कोई कट होता होगा. तो ऐसा कोई कट नहीं होता. ओवम पिकअप एक बहुत ही छोटी प्रोसीजर होती है जो 2 से 5 मिनट की हार्डली होती है और बहुत ही स्टराइल तकनीक से की जाती है. जैसा आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने प्रॉपर स्टराइल सर्जिकल गाउन पहन रखे हैं, स्टराइल कपड़ों से पेशेंट को भी ढका गया है, स्टराइल ग्लव्स पहनते हैं. ग्लव्स जो है सो पाउडर युग ग्लव्स नहीं होते हैं, बिकॉज अगर पाउडर युग ग्लव्स होंगे तो वो फिर आपके अंडे को मार देते हैं, उन्हें अंडे को हानि पहुंचाने की क्षमता होती है. अब ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन होता है जिसके आपके पास ऊपर बहुत बार आपका अल्ट्रासाउंड हुआ रहता है, उसी अल्ट्रासाउंड प्रोब से बेसिकली आपका अंडा भी निकाला जाता है. उसको पहले हम कवर करते हैं, उसको हम स्टराइल बनाते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम जेली डालते हैं. जेली डालने के बाद जैसे एक कॉन्डोम होता है जो यूज़ होता है रोज़ आपके अल्ट्रासाउंड के लिए, वैसा ही एक कॉन्डोम होता है, लेकिन इसमें जेली नहीं होती है क्योंकि जेली जो है सो वो गैमेट के लिए टॉक्सिक होती है. तो उससे हम कॉन्डोम को, उससे हम ये अल्ट्रासाउंड प्रोब को ढकते हैं. कवर करने के बाद इस पर एक गाइड होता है, इसके बाद हम ये चेक करते हैं कि हमारे सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं. ये सक्शन पंप होता है जिससे कि जो हमें मदद करता है अंडे को बाहर खींचने में, और ये एक मशीन होती है जिसमें जब आपके अंडे निकालते हैं तो वो गर्म रहते हैं. जो फॉलिकुलर फ्लूइड निकलता है, वो तरल पदार्थ जो निकलता है वो गर्म रहता है, बिकॉज वो इस टेम्परेचर पर मेनटेन करना ज़रूरी होता है जिससे आपके अंडे ख़राब नहीं हों. अब वजाइनल वॉल को हम लोग वजाइना के अंदर को साफ करते हैं, स्टेराइल गॉज रहता है उससे साफ करते हैं. उसमें बीटाडीन नहीं यूज़ होता है, प्लेन नॉर्मल सलाइन यूज़ होता है. उससे हम क्लीन करते हैं वजाइनल एरिया को. क्लीन करने के बाद इस सेम प्रोब से इसके अंदर हम देखते हैं कि अंडे कितने बने हैं, क्या है. एक प्रोब होती है जिससे कि हमें नीचे वजाइना दिखता है, उस प्रोब के हम मोड पे आते हैं और कुछ ऐसे उसमें इक्विपमेंट्स ऑन करते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि अंडे हमें किस डायरेक्शन से निकालने हैं. इसके बाद नीडल होती है, नीडल सिंगल ल्यूमेन नीडल होती है. इसको हम कनेक्ट करते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं. एक सक्शन पंप से कनेक्ट करते हैं, जो जूनियर डॉक्टर होती है वो हमें इसमें असिस्ट करती हैं, और एक पार्ट हम ट्यूब से कनेक्ट करते हैं जहाँ पे कि ये फॉलिकुलर फ्लूइड इकट्ठी की जाती है. अब ये सेम ये जो इसका छेद होता है इसके थ्रू हम इस नीडल को डालते हैं, और ये बिल्कुल रास्ता क्लीन होना चाहिए, तभी पता चलता है कि आपकी नीडल क्लीन है, ये बायोप्सी गाइड क्लीन है, तो कुछ भी आपको इन्फेक्शन नहीं होगा आपके अंडों में. इससे हम अंदर जाते हैं, सक्शन पंप को यूज़ करते हैं और इस तरह से आपकी जो फॉलिकुलर की फ्लूइड होती है उसको कलेक्ट करते हैं. कलेक्ट करते समय हमें बहुत ध्यान देना होता है कि हम अंडे को प्रॉपर मैनर से अंदर घुसें जिससे कि कोई भी अंडा ख़राब नहीं हो और किसी में भी चोट नहीं पहुँचे. ये पूरा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद ये जो फॉलिकुलर फ्लूइड इकट्ठे होते हैं इन जार्स में, इसको हमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे देना होता है और वो सारा क्लियर करके देखते हैं फिर कि इसके अंदर कितने अंडे हैं जो वायबल हैं. पेशेंट की क्लीनिंग उसके बाद बहुत ज़रूरी है. उसको क्लीन करके हम देखते हैं कि ब्लीडिंग रुकी है कि नहीं, अगर और एक बार ज़रूर चेक करते हैं. उसमें ये स्पेक्युलम डाल के हम देखते हैं और चेक करते हैं ये ब्लीडिंग कहीं से आ तो नहीं रही है. अगर ब्लीडिंग कहीं से आ रही होती है तो उसको इमीडिएटली रोकना होता है, ये चीज़ होती है. और ऐसा नहीं है कि ब्लीडिंग सब पेशेंट्स को होती है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है तुरंत. तो इस तरह से जो ओवम पिकअप का प्रोसेस है वो कोई बहुत ही ख़तरनाक प्रोसेस नहीं है, उस पर इस तरह से कोई आपके जान को ख़तरा नहीं है. ये एक छोटा सा डे केयर का प्रोसेस है, ये कोई भी करा सकता है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है.